टाटा नेक्सॉन अगर हम XE मॉडल लेते हैं या XM मॉडल लेते हैं, गैंगस्टर एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से आज दो नेक्सॉन के ऊपर हम देखेंगे। ये भी बेस मॉडल गाड़ी है, ये भी बेस मॉडल गाड़ी है। दिस इज़ द XE जिसमें पावर विंडो नहीं आती है, मिरर्स लग के नहीं आते हैं, स्टेयरिंग में कंट्रोल लग के नहीं आते हैं। ऑन दी अदर एंड XE से एक ऊपर का मॉडल है जिसमें पावर विंडो एंड मिरर्स तो लग के आते हैं बट टच स्क्रीन नहीं आता है, इंटीरियर में सीट कवर्स नहीं आते हैं, हेडरेस्ट नहीं आता है। दोनों ही गाड़ियों को हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट से मॉडिफाई किया हुआ है बट डिफरेंट इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन से हमने मॉडिफाई किया हुआ है। एक आफ्टर लुक जो गाड़ी का हमको मिल रहा है आफ्टर मॉडिफिकेशन आप लोगों के सामने है। किस तरीके से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो दोनों ही गाड़ियों में हमने लगाया हुआ है प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स के साथ। फॉग लाइट XE हो या XM हो लग के नहीं आती है। जो प्रोजेक्टर्स हमने लगाए हैं इनका फोकस देख सकते हैं डार्क मोड में किस तरीके से जो ये रोड पे रोशनी देते हैं। जस्ट सी द थ्रो एंड द फोकस ऑफ द लाइट ऑन। ये कार में जो हमने लगाए हैं तीन कलर्स में आते हैं जिसमें वाइट भी है, डार्क येलो भी है, वार्म वाइट भी है, विथ थ्री डिफरेंट मोड्स। प्रोजेक्टर फॉग लाइट की रोशनी इतनी है कि हेडलाइट भी चालू करने की ज़रूरत हमको नहीं है अगर प्रोजेक्टर फॉग लाइट हम लगाते हैं तो। हेडलाइट के भी जो बल्ब आते हैं हमने अपग्रेड किए हैं जिसमें लो बीम में HID किट्स हमने लगाई हुई है एंड हाई बीम में LED किट्स हमने लगाई है जिसमें वाइट लाइट भी है, ऑफ एंड ऑन करने में येलो लाइट भी है। तो XE हो, XM हो या XZ प्लस हो, हेडलाइट सब में एक ही आती है। हेडलाइट के बल्ब जो हैं वो पीले आते हैं जो वाइट लाइट का थ्रू हमें मिलता है। किस तरीके से हैं आप लोग देख सकते हैं विद द बोनेट स्कूप DRL जो एंड टू एंड कवरेज के साथ हमने लगाई हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर टू द राइट एक्सट्रीम कॉर्नर। जस्ट सी द लुक ऑफ द बोनेट स्कूप DRL जो इसके अंदर हमने लगाया। तो लाइट्स के मामले में चाहे फॉग लाइट हो इनका फोकस हम लोग देख सकते हैं, हेडलाइट के बल्ब हो इसको हम देख सकते हैं, DRL फॉर द लुक ऑफ द कार हो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। गाड़ी के इंटीरियर पोर्शन पे अगर हम आते हैं तो एक्टिव एम्बियंट लाइट हमने इंटीग्रेट की हुई है। किस तरीके से डैशबोर्ड चारों दरवाजे स्ट्रॉ ऑफ लाइट से इंटीग्रेटेड है। द एक्टिव एम्बियंट लाइट हैज़ बीन सेटअप इन बोथ द कार्स, लुक फील गेटअप आप लोगों के साथ। स्कफ प्लेट्स जो दरवाज़ा खोलने पे नेक्सॉन का नाम एंड इल्यूमिनेशन देते हैं एंड रिफ्लेक्टर लाइट्स जो हमने पीछे की तरफ लगाई हुई है। दो डिफरेंट मोड्स स्टाइल्स के अंदर आती है, स्टाइल नंबर 1 आप लोगों के सामने है, स्टाइल नंबर 2 आप लोगों के सामने है। जब ये ऑन होती है तो एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है, ऑफ एंड ऑन पे जब इसको हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं तो किस तरीके से ये लाइट का जो लुक है आप लोगों के सामने। जो इंटीरियर दोनों ही गाड़ियों के हमने किए हुए हैं, ये कार के अंदर हमने पर्शियन ग्रीन कलर का इंटीरियर किया हुआ है। यू कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द कार। जो सीट कवर्स हैं, जो दरवाज़ों में लेदरिंग का वर्क हमने किया है, जो आर्म रेस्ट हमने लगाया है, जो 70 मैट्स हमने लगाई है, टॉप गियर ब्रांड की पर्शियन ग्रीन कलर आपके सामने है। जो लव एंड रिस्पॉन्स आप लोगों ने एक एक फिटमेंट देखी है दोस्तों जो हम लोग को इसके अंदर मिलती है, टॉप गियर की फिटमेंट का कोई मुकाबला नहीं है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ। दरवाज़ों में जो लेदर काला था वो अभी पर्शियन ग्रीन कलर है। जो पिलर्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उसको भी हमने पर्शियन ग्रीन कलर का टच दिया है। जो स्टेयरिंग है उसको भी हमने पर्शियन ग्रीन कलर का टच दिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड ये तो हो गया स्पोर्टी लुक। जो डिसेंट लुक है द आइस ग्रे वाइट एंड ब्लैक टोन ये गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है, इसका भी गेटअप आप लोग देख सकते हैं। जो सीट कवर्स हैं जो वाइट एंड ब्लैक, जो ट्राई एरो डिज़ाइन यानी कि जो गाड़ी के टॉप मॉडल में ट्राई एरो का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं किस तरीके से हमने इसमें किया हुआ है। जस्ट सी द लुक फील एंड द फिटमेंट ऑफ द सीट कवर्स। आर्मरेस्ट XE मॉडल बेस मॉडल है दोस्तों, स्टेयरिंग कंट्रोल भी नहीं लग के आते थे दोनों गाड़ियों में हमने लगाए हुए हैं। ऑटो फोल्डिंग ORVMs विद द ओरिजिनल वायरिंग स्विच हमने लगाया हुआ है। किस तरीके से अगर आप XE लेते हैं, ये एक 8.5 लाख रुपए की गाड़ी है, जो XM है वो 9.5 लाख रुपए की आती है। पीछे की पावर विंडो ये गाड़ी में नहीं लग के आती है,
तो पावर विंडो हमने लगाई है विद द फ्रंट कंट्रोल, जिसका वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन भी आप लोगों के सामने, पीछे की ग्लास पीछे से भी ऑपरेटेड है, आगे से भी ऑपरेटेड है। मिरर्स हमने लगाए हैं विद द ओरिजिनल टाटा जेन्यून स्विच के साथ, मिरर्स भी ये गाड़ी में नहीं लग के आते हैं, जो लॉक करने पे फोल्ड होते हैं। इसका भी गेटअप एंड लुक आप लोग देख सकते हैं, द राइट एडजस्टमेंट अप डाउन लेफ्ट राइट हर एक चीज़ आप लोगों के सामने है। एंड मेन बात है, लॉक करने पे ये मिरर्स फोल्ड होते हैं एंड अनलॉक करने में ओपन होते हैं। द ऑटो फोल्डिंग ओवर व्हील्स भी इसके अंदर लगाए हैं। 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ एक्सी मॉडल में हमने लगाए हैं। एक अलॉय व्हील में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि गाड़ी का जो लुक है पूरा चेंज कर देता है। गैंगस्टर एडिशन के ग्राफिक हैं नीचे की तरफ, लुक देख सकते हैं कि अलॉय व्हील टाटा का ओरिजिनल है, पावर विंडो टाटा की ओरिजिनल है, मिरर टाटा के ओरिजिनल है, स्टेयरिंग के कंट्रोल टाटा के ओरिजिनल हैं जो इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं। नेट प्ले का रेगुलर प्लेयर ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया है, बट द 360 डिग्री प्लेयर विथ ऑल द फोर व्यूज फ्रंट रिवर्स राइट एंड लेफ्ट ये कार के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है। किस तरीके से ये जो प्लेयर का गेटअप है नेक्सॉन में 360 डिग्री कैमरा टॉप मॉडल में भी ऑफर नहीं होता है। द फ्रंट व्यू इज़ ऑन द टच, द लेफ्ट व्यू इज़ ऑन द टच, द राइट व्यू, ऑल द फोर व्यूज ऑन वन स्क्रीन। जस्ट सी द सुपर एच डी क्लैरिटी ऑफ द 360 डिग्री बर्ड व्यू कैमरा जो इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। चारों कैमरेज हमने जो प्लेसमेंट भी की है, फिटमेंट का भी तरीका देख सकते हैं कि किस तरीके से है। एंड गरवारे की पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ये गाड़ी के अंदर हमने की है। कलर दोनों का वाइट है, बट वाइट में जो डिफरेंस है, एक चमक एंड ग्लॉस में डिफरेंस फ़र्क देख सकते हैं कि ये कार पे हमने PPF नहीं किया है। एंड एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होने के बाद जो मेरे मेटल सरफेस पे ग्लॉस आ रही है, एक जो ये आप लाइट्स जब पड़ रही हैं तो एक लुक देख सकते हैं कि चाहे आप स्क्रैच मारेंगे तो भी आपका हाथ फिसल जाएगा, बट स्क्रैच गाड़ी के अंदर नहीं है। बोनट पे हमने किया है, चारों दरवाज़ों पे किया है। PPF करने से जो मुझे चमक मिल रही है गाड़ी में बता नहीं सकता हूँ। व्हील कैप लगाए हैं जो अलॉय के जैसे दिखते हैं, अलॉय का काम अलॉय करता है, व्हील कैप का काम व्हील कैप उसके अंदर करता है। किस तरीके से XM मॉडल में रूफ रेल्स लग के आती हैं, एंटीना लग के आता है, बट XE मॉडल में वो दो चीज़ें नहीं लग के आती है, वो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। सो फाइनल ओवर रिव्यू, जो गैंगस्टर एडिशन पे आप लोग ने प्यार एंड रिस्पांस मुझे दिया है, फर्स्ट हमने देखी, सेकंड हमने देखी, थर्ड हमने देखी, फोर्थ हमने देखी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप लोगों के सामने है। फिफ्थ की स्पेशलिटी है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, एंड जो एक्सक्लूसिव XE XM में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं लग के आते हैं तो ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हुए हैं। जो हमारे हेडरेस्ट लग के आते थे वो कुछ इस तरीके से थे, इन बिल्ट हेडरेस्ट मेरे को मिलते थे, सेटिंग का ऑप्शन नहीं था। इनको रिप्लेस करके हमने जो टॉप मॉडल में हेडरेस्ट आते हैं इसके अंदर हमने इंटीग्रेट किए हैं। किस तरीके से इनकी जो फिटमेंट्स हैं आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जब हम सर रखने के लिए जो एक जगह आती है, हेडरेस्ट हमने ये गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट किए हैं आपकी ओरिजिनल सीट। कर्टन्स हमने लगाए हैं फॉर द हीट कंट्रोल, तो मेरा दिल से शुक्रिया है जो नेक्सॉन की फैमिली से हमको सपोर्ट मिला है। GT लाइन डिफ्यूज़र का जो लुक है, आगे की तरफ जो बम्पर हमने लगाया है, द सिल्वर एंड ब्लैक विद द रेड स्पोक्स आप लोगों के सामने है। एक बिना बम्पर के गाड़ी कैसी लग रही है आप लोग देख सकते हैं। एंड एक डिफ्यूज़र लगने के बाद जो लुक मस्क्यूलरिटी है, कल के दिन अगर कुछ भी स्क्रैच आता है तो इस पे आता है, आपकी गाड़ी पे नहीं आता है। डिफ्यूज़र का भी लुक देख सकते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों को हमने मॉडिफाई किया है। मेरा दिल से शुक्रिया है जो ऑल ओवर इंडिया से सोन के ऊपर आप लोग ने प्यार दिया हुआ है। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफ। नेक्सॉन को जो हमने गैंगस्टर एडिशन में कन्वर्ट किया है, श्रीकांत जी हमारे साथ में हैं जो एक बोल सकते हैं हमारे नेक्सॉन के लिए गुडविल रहे हैं।
जो पहली नेक्सॉन में मैंने पावर विंडो लगाई थी आज से एक साल पहले सर की गाड़ी में हमने लगाई थी। सर का वीडियो आज भी 6 लाख व्यू के ऊपर है। आज एक साल के बाद अपने दोस्त को लेके आए हैं जो उनके फ्रेंड हैं जो XZ टॉप मॉडल लेने वाले थे, बट श्रीकांत जी की गाड़ी देख के उन्होंने XE मॉडल ली और सेम उन्होंने बोला रोहित जी सीट कवर भी सेम लगाना है, पावर विंडो भी सेम लगानी है, हर चीज़ हमको सेम करनी है। हम वेलकम करते हैं सर का शॉप पे एंड उनके फ्रेंड का, एंड राजकुमार जी है ओनर ऑफ द वाइट कार जिनकी गाड़ी में हमने फर्स्ट नेक्सॉन है जिसमें गरवारे का PPF इंस्टॉल किया है, पर्शियन ग्रीन इंटीरियर किया है, हेडरेस्ट हमने लगाए हैं, बहुत दिल से एंड बहुत मेहनत से सर की गाड़ी को भी हमने बनाया हुआ है। सर आए, गाड़ी है XM मॉडल, चाबी दी, छोड़ के चले गए। मैं बोला 2 दिन के बाद आऊँगा। सीट कवर का मैंने बोला सर कलर आप चॉइस करिए, बट उन्होंने बोला नहीं आपकी गाड़ी है आप अपनी चॉइस से लगाइए, खाली पर्शियन ग्रीन कलर लगाइए। इतना ट्रस्ट सर ने हम पे दिखाया है। हम सर का भी वेलकम करते हैं शॉप पे, उनके फ्रेंड्स हैं उनका वेलकम करते हैं। राजकुमार जी कैसी गाड़ी लग रही है बनने के बाद, क्या बोलेंगे? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से पर्शियन ग्रीन कलर, सीट कवर वगैरह मस्त लग रहे एकदम, और ऐसा लग रहा है कि मतलब टॉप मॉडल की गाड़ी हमने ली है बस। और 360 डिग्री कैमरा, हाँ कैमरा भी मस्त दिखते हैं, मतलब 360 डिग्री व्यू अच्छा दिखता है गाड़ी में। PPF से जो चमक आई है गाड़ी में, हाँ, वो भी अच्छी आ रही है। फर्क है कि नहीं? हाँ, फर्क है। दोनों गाड़ियाँ आजू बाजू में खड़ी है, बहुत फर्क आप देख सकते हैं। हाँ। किस तरीके सर हम आपको थैंक यू करते हैं। भाजी कितना हो गई गाड़ी? बहुत बढ़िया काम किया रोहित जी ने, रोहित जी आप वीडियो भी देखते हैं और बहुत अच्छा काम, मज़ेदार है एकदम। और इनकी वर्कशॉप पे आए हैं, बहुत बढ़िया लगा, इनके फादर मिले हैं, इनके भाई साहब मिले हैं, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर कैसी लग रही है गाड़ी, क्या बोलूँ? बढ़िया है सर, आपकी आपकी टीम ने जो भी एफर्ट डाले हैं मॉडिफाई करने के लिए, इट इज़ टॉप क्लास। श्रीकांत जी अपनी गाड़ी कैसी चल रही है? पहले एक साल हो गया है, जो भी गाड़ी के बाजू बाजू में आता है क्या बोलता है, कैसी क्या है गाड़ी? गाड़ी तो मस्त बनी है अभी तक एक साल, अभी भी वाइट शर्ट में थे आज भी वाइट शर्ट में। एक साल में कुछ इशू ही नहीं हुआ, इसके लिए सेकंड गाड़ी हम लाए। और सजेशन हमारा यही रहेगा, उस टाइम भी हमने बोला था कि आप बेस लीजिए, टॉप बनाइए, रोहित भाई उसको बना के देंगे। बराबर है सर, और वही जो चीज़ें वो टाइम पे नहीं थी वो आज इम्प्लीमेंट हुई है। एम्बियंट लाइट नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं थे, मिरर नहीं थे, जो ओरिजिनल हमने आज स्विच लगाया है। एक सर हमारे लिए गुडविल है जो इतनी नेक्सॉन मैंने बनाई है, ये सर का वीडियो देख के आए हैं, तो एक बार दिल से सर आपको शुक्रिया करते हैं, आपका गुडविल हमारे साथ है। किस तरीके से ये नेक्सॉन का जो परिवार है, लाइक वगैरह सर करना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं? डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल एंड नेक्सॉन गैंगस्टर एडिशन जो हमने कन्वर्ट की है उस पर किस तरीके से प्यार मिलता है आप लोग देख सकते हैं। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।